छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण दुर्ग के मटपाड़ा निवासी हेमंत चौहान है, जो कि इंजीनियरिंग का छात्र है। उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही यहाँ एक से एक बढ़कर प्रतिभा का हुनर रखने वाले लोग अपना करियर संवार रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के मठपारा निवासी हेमंत चौहान ने भी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया है और अपना हुनर प्रस्तुत किया है। हेमंत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग के साथ साथ मॉडलिंग को भी अपना पैशन बनाते हुए इसमें जमकर मेहनत की है। हेमंत का कहना है कि मॉडलिंग के थ्रू वे एक्टिंग लाइन में उन्हें जाना है। सबसे पहले आप सभी को मेरे भिलाई छत्तीसगढ़ की तरफ से जय जवाहर, नमस्ते जजेस। मेरा नाम हेमंत सिंह चौहान है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी एज 24 इयर्स ओल्ड है, मेरी हाइट 5.9 इंच है एंड मेरी हॉबीज एक्टिंग एंड सिंगिंग है। थैंक यू सो मच। 24 वर्षीय हेमंत चौहान इंजीनियरिंग छात्र होने के साथ ही मॉडलिंग करना कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने हमारे देश के मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल से बहुत प्रभावित होकर इस एक्टिंग की लाइन को चुना, साथ ही इससे अपना और अपने फैमिली और अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहा। हेमंत ने बताया कि मॉडलिंग करियर 2021 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले जिला स्तरीय शो किया मिस्टर भिलाई का, जिसमें उन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद राज्य स्तरीय शो में, जिसमें मिस्टर हैंडसम ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 का टाइटल उन्हें मिला। उन्हें टेलीविजन के फेमस अभिनेता प्रिंस नरूला के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। वहीं उसके बाद स्टेला प्रेजेंट इंडियाज नेक्स्ट टॉप शो, जो कि मुंबई में हुआ, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और उन्हें विनर का टाइटल प्राप्त हुआ। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष हेमंत चौहान ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम हेमंत चौहान है, मैं मटपारा चंडी चौक का रहने वाला हूँ और मैं मॉडलिंग करता हूँ। हाल ही में मैंने 2021 में मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिस्टर मिस भिलाई का कंपटीशन क्रैक किया था, जिसमें मेरे को फर्स्ट रनर अप का ट्रॉफी मिला था। उसके बाद मैंने आगे स्टेट लेवल में भी ट्राई किया मिस्टर मिस छत्तीसगढ़ में, तो उसमें मेरे को मिस्टर हैंडसम ऑफ छत्तीसगढ़ का टाइटल मिला था। उसके बाद मैंने सोचा मैं आगे कुछ ट्राई करूं और अच्छा उसके आगे, तो मैंने इंडिया लेवल पे स्टाइलिया का एक इवेंट हुआ, स्टाइलिया इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि नवी मुंबई वाशी में हुआ। उसमें मैंने जाके वहाँ अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, उन सब के साथ कॉम्पिटिशन किया, तो उसमें हमें टॉप 10 में विनर मिला। तो वो ये को यही इस न्यूज़ के माध्यम से यही उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर सकते हैं। एक हार जीत तो लगा रहता है, कोई भी कंपटीशन में हार जीत लगा रहता है। हार गए तो आप उससे कुछ सीखेंगे और जीत गए तो उससे आगे करने का लालच होता है। तो बस यही है कि कोई भी चीज़ करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के करें, बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और साथ ही मेरा पैशन है मॉडलिंग करना। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टडी भी करूँ और मॉडलिंग भी करूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। स्टडी अपनी जगह है, पैशन अपनी जगह है, तो मैं अभी अपना पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं स्टडी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ जितना कि मैं मॉडलिंग को इम्पोर्टेंस देता हूँ। आगे इसमें बहुत अच्छी लाइफ है, अगर चाहे तो आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे आप इंटरनेशनल लेवल में जा सकते हैं। इसके आगे जैसे मैंने अपने इंडिया लेवल में किया, तो आगे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर करने की। इंटरनेशनल पर हर एक स्टेट, देश, सब जगह से आते हैं लोग, तो उस पर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आने वाले टाइम में हम एक्टर बन सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी में मॉडलिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े शोज कर सकते हैं, ऐसे करके हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर दिखाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी उम्मीद और ऐसी कामना हम सब करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।